हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:15 बजे से, और आर्या गई थी स्कूल, आज है फ्राइडे और सैटरडे संडे आर्या का ऑफ स्कूल का। इतनी ज़्यादा खुश हो रखे ना, उसको आदत है मैम को ऐसे बोलेंगे, मैम बाय सी यू टुमारो, तो मैम ने बोला बेटा सैटरडे संडे आपका ऑफ है, मंडे को मिलना है आपको। इतनी ज़्यादा खुश उस टाइम से उसने मुझे स्कूटी में इतने सवाल जवाब किए कि मम्मा क्यों नहीं जाना है कल, परसों क्यों नहीं जाना। इतनी ज़्यादा खुश हो रखे ना, मम्मा मैं इंजॉय करूँगी, रात को लेट सोऊंगी। मुझे ना सच्ची बता रही हूँ, मुझे अपने दिन, अपने पुराने दिन याद आ गए, स्कूल के दिन याद आ गए कि जैसे अगले दिन छुट्टी होता तो इतने ज़्यादा खुश, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि हाँ कल छुट्टी है तो ऐसा करना वैसा करना। वही आज मैं उसके अंदर देख रही हूँ, फील हो रहा है कि यार बचपन में हम भी इतने खुश हुआ करते थे। और यहाँ पे देखो मट्टी, गुड मॉर्निंग नहीं बच्चा, गुड आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून। कैसे हो रही है बच्चा? कुछ ऐसे हो रही है, स्माइल के साथ हो रही है। आप हैप्पी हो बच्चा? क्यों? कल क्यों? कल क्योंकि छुट्टी है इसलिए। कल दिवाली करना है क्या? कह रही है कि कल दिवाली करना है क्या मम्मा? और आज ना मैंने इसको मॉर्निंग में पूछा, मॉर्निंग में हाँ इसके डैडी ने भी पूछा, मैंने भी पूछा कि बच्चा आपको ब्रेकफास्ट में क्या देना है, तो गाइस आप राइस पसंद करती है, मतलब सूखा राइस एकदम घी नमक डाल के। तो कह रही मम्मा मुझे ना भातू, गढ़वाली में भातू बोलते हैं, भात बोलते हैं ना, तो उसको आदत है ऐसे, उसकी दादी बोलते हैं ना भातू, भात को भातू। अब होता है ना हर चीज़ का, जैसे हम लोग प्यार से नाम बोलते हैं, आर्या नाम है तो आरू बोलते हैं घर पर, वैसे भात को भातू गढ़वाली में हम लोग मतलब, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा क्या देना? कह रही भातू देना है मम्मा। तो भातू से इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, मैंने कहा बच्चा आपको टिफिन में नहीं दिया जाएगा भातू। तो अभी दिन में कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, सुबह से 11 बजे से जब से उसको स्कूल से लेके आ रखी हूँ, मम्मा मेरे जल्दी से भातू बना दो, इतनी ज़्यादा खुश हो रखा है मेरा बच्चा। दिवाली है क्या? करे कल दिवाली है क्या? होली है वो, सैटरडे संडे को बोले, कभी बोली दिवाली है कभी बोली होली है। हाँ कलर आपने लगाया नहीं अभी? अरे खुशी तो देखो जरा, बच्चे की खुशी देखो जरा, छुट्टी वाली खुशी यार, कितनी ज्यादा खुश हो रही है। बहुत ड्रामेबाज है भैया, बहुत ज्यादा ड्रामेबाज है। चॉकलेट, चॉकलेट लिपस्टिक कहाँ है? लंच में क्या बनाना है? भातू मेरा बेटा। चलो मखाना फिनिश करो, मम्मा ने आपको मखाना दिया, फिनिश करो इसको। तो चलिए अब लंच की तैयारी करूंगी। और गाइस आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ जोली और भात, जो कि हम पहाड़ों की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है। नहीं ऐसे नहीं करते बच्चा, मखाना फिनिश करो। हम पहाड़ों की बहुत ही ज्यादा फेवरेट होती है जोली और भात। जो नॉन पहाड़ी है उनको मैं बता दूँ, जोली किसको बोलते हैं पहाड़ी में? कड़ी बोलते हैं इसको, कड़ी, कड़ी चावल बनाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं जोली और भात। तो वही मैं आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस से कॉल आया कि झोली और भात बना देना, उनकी पसंद है भैया आज झोली और भात बन रहा है, तो दिखाती हूँ मैं। आप चली गई किचन में मेरे से पहले, बेटा इधर आओ आप, आ रहे हैं। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे हम लोगों की पहाड़ी झोली और भात बनती है, यानी कि राइस और कड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आपको, बहुत फेवरेट होती है हम लोगों की। और तो गाइस यहाँ पे कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे, गैस को कर देंगे ऑन और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो गाइस कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें यहाँ पे दही, आप चाहो तो छाछ भी ले सकते हो यानी कि मट्ठा। तो मैंने यहाँ पे दही लिया हुआ, एकदम घर की जमी हुई दही है ये, और इसमें है बेसन 1 चम्मच के लगभग, इसमें 1.5 चम्मच के लगभग इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया है। बेसन और जो दही है इसको अच्छे से, इसका घोल तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। साथ ही साथ में इसमें जो मसाले होते हैं हमारे बेसिक मसाले, उनको मैं ऐड कर दूंगी स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैंने नमक लिया हुआ है, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो मेरा धनिया और जीरा पाउडर मिक्स रहता है, तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच के लगभग धनिया और जीरे का पाउडर ले रही हूँ। साथ ही साथ मैंने साइड में प्याज कट करके रखा हुआ है, कुछ कलियाँ लहसुन की ले रखी है। गोल कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है, इसको रख देंगे साइड में रेस्ट करने। अब सरसों का तेल यहाँ पे देख सकते हैं अब धुआं निकल रहा है, तो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। सरसों के तेल की एक खासियत होती है, अगर अच्छे से धुआं निकल गया है तो इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें करेंगे थोड़ा सा जीरा ऐड, थोड़े से सरसों के दाने,
थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा लहसुन की कलियां, तो इसको अच्छे से चटकने देते हैं। गाइस कुछ दाने इसमें डाल देंगे मेथी के, ये मेथी हो गया, मेथी का जो इसमें टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। प्याज को ब्राउन होने देते हैं, प्याज यहाँ पे अच्छे से हमारा ब्राउन हो चुका है और अब इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने बेसन का घोल बना रखा था, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो चावल पीस के भी बना सकते हैं, पहाड़ में मोस्टली चावल ही पीसा जाता है जब झोली बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चावल नहीं पीसा, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे बेसन का यूज़ किया हुआ है। गैस का जो फ्लेम है उसको थोड़ा हाई कर देते हैं। कढ़ाई में हमेशा लोहे का ही यूज़ करती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों के पहाड़ी जो डिश बनते इस तरीके का, जैसे फांडू हो गया, चैसू हो गया, भटवाणी हो गया, भटके दुबके हो गए और ये झोली भात हो गया, तो ये स्पेशल लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। लोहे की कढ़ाई में जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। और जो इसमें बचा हुआ है इसमें पानी ऐड करके, इतने से भी इसमें ज़्यादा है तो पानी और अभी ऐड करूँगी, तो कुछ इस तरीके से। झोली में अभी थिकनेस ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आपको कड़ी थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है तो आप गाढ़ी रहने दें, वरना पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी इसको पतली कर सकते हैं। कड़ी को थोड़ा सा चलाते रहना है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी उबाल आता है और ये नीचे भी लगने का रहता है, बेसन है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब तक इसमें एक दो उबाल ना आ जाए, यानी कि थोड़ा सा और पक ना जाए, इसको इस तरीके से चलाते रहना है। मैं कड़ी ऐसी पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़े गाढ़ी कड़ी पसंद करते हैं तो इसको हम गाढ़ी रहने देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे गरम मसाला, मसाला ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस इधर हमारा राइस भी बन रहा है और अपने लिए बना रखा है मैंने यहाँ पे चुकंदर और गाजर का जूस, आँच इसकी एकदम कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। तो चलिए, तो उधर हमारी कड़ी बन रही है, साथ ही साथ मेरा यहाँ पे चुकंदर और गाजर का जूस बन गया है। आ रहा है, थोड़ी देर टीवी देख रही है, अभी कड़ी पक रही है, वो भात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, मामा भात हो चाहिए। और मैं आ गई हूँ बाल करने में अपना गाजर और चुकंदर का जूस लेके, क्योंकि हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी, मौसम गर्मी का आ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो धूप देखो इतनी ज़्यादा धूप लग रही है भाई, और शाम को उतनी हवा चलती है, बहुत अच्छा हो जाता है शाम के टाइम पे मौसम। मैंने प्लांट देखो हमारा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। आपकी बॉल गाइस, क्योंकि आप बड़ी हो गई हो बेटा। मैं बड़ी हूँ, आपके बड़ा बड़ा ही हूँ। मेरे को भी तो इतना ही आया, मैं तो आपको इतना बड़ा हूँ। आपके तो इतना है, मुझे तो हमारी झोली बनके एकदम रेडी हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट। गाइस जो मैं झोली बना रही हूँ इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, जैसे हम लोग नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी के साथ पकोड़ा खाने में बड़ा अच्छा लगता है, जो होता है ना कढ़ी पकोड़ा, उसका जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो झोली बनती है जो चावल पीस के, स्पेशली जो चावल डाल के बनाया जाता है, इसमें चावल पीस के, जैसे मैंने बेसन यूज किया हुआ है तो चावल का यूज होता है उसमें चावल पीस के, तो इसमें जो टेस्ट आता है, मतलब पकौड़ी की आपको बिल्कुल भी जरूरत पड़ती नहीं है, बिना पकौड़ी की भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास अगर चावल पिसा हुआ होता है, मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया कि अब कौन चावल पीस रहा है, लेकिन वो चावल के साथ ही ज्यादा बढ़िया लगता है, उसी को मतलब स्पेशली झोली भात बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन यूज किया हुआ है, आप चाहो तो इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। आँच मैंने थोड़ा फुल कर दिया है और काफी हद तक ये पक के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं थिकनेस एकदम परफेक्ट है। इसमें हरा धनिया कट करके डालते हैं, गैस को कर देंगे हम बंद और इसमें लगा देंगे ढक्कन। तो हमारा झोली भात बनके एकदम तैयार हो चुका है, बस आ रहे के डैडी जी का आप इंतजार है, वो आएंगे और फिर हम लोग खाएंगे, आने ही वाले हैं।
थोड़ा इंतजार करते हैं, आर्य को वैसे मैं दे देती हूँ क्योंकि वो भात की बहुत पीछे पड़ी हुई है। जब जब मैं बार बार किचन में जा रही हूँ मेरे साथ ही आ रही है। गाइस फाइनली हस्बैंड भी आ गए ड्यूटी से और अब करते हैं लंच। आर्य को मैंने लंच करवा दिया है और फटाफट से इनके लिए भी परोस देती हूँ। इसके बाद मिलेंगे आप सब अपने पहाड़ी स्टाइल में बैठते और मस्त होके झोले और भात का आनंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने इनके लिए भी लंच परोस दिया और फटाफट से मैं भी लेके आ जाती हूँ अपने लिए। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।